नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SRTC लीगल हेल्प हिंदी में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आईटीआर को फाइल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है। तो दोस्तों, पहले जो इसकी डेट थी वो 31 मार्च 2021 थी। कोविड-19 केसेस बढ़ने के कारण डिपार्टमेंट ने इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि आप 31 मई 2021 तक अगर आपकी कोई रिटर्न पेंडिंग है या आप कोई रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन 3 तारीख का नोटिफिकेशन था, तब तक डिपार्टमेंट ने अपनी ऐसी कोई सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराई थी। कल तक जब मैं चेक कर रहा था तो यहाँ डिपार्टमेंट का जो मैसेज शो कर था तो उसमें लिखा हुआ था कि डिपार्टमेंट इस सुविधा को जल्द ही आपके सामने प्रोवाइड करा देगा। आज 5 तारीख को तकरीबन 2 बजे के अराउंड मुझे ऐसा जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे यहाँ खबर मिल गई थी कि डिपार्टमेंट ने वो सुविधा उपलब्ध करा दी है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर आपकी कोई रिटर्न पेंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, या अगर आपको कोई रिटर्न रिवाइज करनी है तो आप 31 मई 2021 से पहले आप अपनी इस रिटर्न को रिवाइज या फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी क्लाइंट की मैंने जो रिटर्न फाइल की है। तो देखिए दोस्तों, फाइलिंग डेट ये आज की सारा है 5/5/2021 की। ठीक है दोस्तों, मैं आपको रिटर्न भी दिखा देता हूँ। ये मैंने रिटर्न भरी है तो नीचे आप टाइम देख सकते हैं, 5 तारीख और तकरीबन 2 बजे के आसपास मैंने रिटर्न फाइल की थी। तो ये छोटी सी अपडेशन थी जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो